में। अगर डिज़ाइन वाइज बात करी जाए तो देखने में तो बहुत ही शानदार लगती है। अगर देखने से कोई पहली बार देखेगा तो लगेगा कनेक्टिंग टेल लैम्प है ये सबसे बढ़िया काम करा है यार। बेस वालों के साथ क्यों ना इंसाफी करनी भाई, टेल लैम्प का डिज़ाइन सबका सेम है और टेल लैम्प का डिज़ाइन सच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है। नाम मैं लूंगा नहीं गाड़ी का, बहुत लोग इसको जानते हैं किस नाम से। बोनेट के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन नहीं मिलती, पे ब्रेजा में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है और साथ ही साथ आपको हिल होल असिस्ट भी मिल जाता है। फिर से बोलूंगा यार, वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक एक सब्सक्राइब करके जाइए। हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं PRG व्लॉग। तो सबसे पहले मैं मिलवाना चाहता हूं सोनेट के ओनर से जो हैं सम्यक सर, आप जानते ही हैं, इट्स अबाउट मशीन इनका यूट्यूब चैनल है, देखिए बहुत मस्त मस्त वीडियो बनाते हैं, जाके सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं वीडियो के टॉपिक पे। आज हम बना रहे हैं ब्रेजा वर्सेस सोनेट, एक डिटेल कंपैरिजन करेंगे आपको कौन सी कार लेनी चाहिए, क्योंकि यार आपकी मेहनत का पैसा है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कितने अमाउंट में कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं सम्यक सर से कि सोनेट कब ली, क्यों ली, कितने की पड़ी। तो सोनेट मैंने ली थी 2020 में, तो ये 2020 सितंबर में गाड़ी लॉन्च हुई थी और दिसंबर में मैंने गाड़ी ले ली थी, तो तब ये मेरे को ऑन रोड पड़ी थी 9.5 लाख रुपए के आसपास की। जो ये मॉडल है HTK+, तो ये नीचे से तीसरा मॉडल आ जाता है आपका। ओके ओके, HTE HTK HTK। सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा हमेशा रहता है, सोनेट लेते हुए और कोई कार क्यों नहीं देखी। सोनेट एक्चुअली क्या हुआ था कि 2019 में आपने देखा होगा सेल्टॉस लॉन्च हुई थी और काफ़ी ज़्यादा हाइप मची थी सेल्टॉस की। तो सेम जब 2020 में सोनेट आई, लुक्स में बहुत लाजवाब थी गाड़ी, तो लुक्स सबसे पहला फैक्टर था सोनेट को लेने का। दूसरा ये था कि जो प्राइसिंग आई थी वो भी काफ़ी अच्छी निकाली, जैसे 9.5 लाख रुपए में ऑन रोड बहुत बड़ी बात है, तो प्राइसिंग बहुत अच्छी थी। हम लोग गाड़ी देख रहे थे ग्रैंड I10 नियोस टाइप की, हमने तो बहुत ऊपर हो गया, हमने बुक भी करा दी थी, तो वो भी हमें 8.5 लाख रुपए कुछ की पड़ रही। नेक्सॉन भी ले सकते थे, नेक्सॉन क्यों नहीं ली। तो नेक्सॉन में पहली चीज़ थी लुक्स थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी मेरे को नेक्सॉन के आगे, तो नहीं है, और सोनेट के आगे बिल्कुल नहीं थी। प्लस नया प्रोडक्ट आया था और काफ़ी एग्रेसिव लुक्स निकाले थे कंपनी ने। दूसरा जो उसका इंजन है उसकी रिफाइनमेंट भी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब वो आपको पेट्रोल वाली भी डीजल जैसी ही लगेगी नेक्सॉन। यार ये चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, देखो मैं कोई डिफेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यार साउंड बहुत ज़्यादा आता है, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब जो DS6 फेस 2 में इन्होंने इंजन जो करे हैं वो काफ़ी रिफाइंड कर दिए हैं जो अभी हुए हैं इस साल, बट उस समय जो इंजन आता था उसमें। अगर अभी आपको मौका मिलता सोनेट नेक्सॉन में क्या खरीदते। अभी अगर मेरे को ऑनेस्टली दोबारा लेनी हो तो मैं इन दोनों को छोड़ के मैं XUV 300 की तरफ जाऊँगा, क्योंकि XUV 300 में जो हमें इंजन मिल रहा है वो बेस्ट है, उससे बढ़िया इंजन सेगमेंट का बेस्ट इंजन सेगमेंट में कोई ऑफर नहीं कर रहा। सेकेंडली जो उसकी चौड़ाई है, अगर आप उसके ऑन पेपर्स नंबर देखोगे तो हमारी क्रेटा सेल्टॉस से भी चौड़ी है वो गाड़ी, बहुत तगड़ा। तो चलो वो तो कोई बात नहीं है, वो तो बात अलग है, अंदर स्पेस अच्छी मिलेगी और इंजन बढ़िया, इंजन बढ़िया मिलेगा। ब्रेजा अगर ऑप्शन में होती उस टाइम पे, ये सेम मॉडल फेसलिफ्ट वाला सोनेट ब्रेजा। ब्रेजा एक्चुअली एक गाड़ी है जो अगर ये मतलब नई वाली आ रखी होती उस समय तो मैं ज़रूर कंसिडर करता, बट उस समय पुराना वाला मॉडल चल रहा था और उसको काफ़ी साल हो गए थे। के बाद फेसलिफ्ट आया, लेकिन ये वाला फेसलिफ्ट कुछ अलग निकल के आया था, तो अगर शायद ये होता तो आप इसको कंसिडर करते। तब ये गाड़ी ज़रूर देखी जा सकती थी, क्योंकि ब्रेजा एक हमने देखा है ओवरऑल पैकेज सा बन के निकल, इंजन बड़ा है ना यार, सेगमेंट में इंजन बड़ा हो गया, इंजन अच्छा मिल जाता है, स्पेस अच्छी मिल जाती है। जैसे कुछ गाड़ियां होती है जिनमें दो चीजें बहुत अच्छी दो बहुत खराब, ब्रेजा में सब कुछ एवरेज सा सब कुछ दे दिया मिल जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हाई परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन हाँ एक अच्छे पैसों में अच्छी कार आपको मिल जाती है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं इंजन के ऊपर, सोनेट के इंजन की बात करी जाए तो 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 82 BHP और 115 Nm टॉर्क के साथ ये इंजन मिलता है। ये वही सेम इंजन है जो हमारा i20 वगैरह में भी रहता है, Hyundai वगैरह देती है, तो ये वही सेम इंजन। ब्रेजा का तो आपको पता ही है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है और 103 BHP और 137 Nm का टॉर्क मिलता है। देखो सेगमेंट्स दोनों का सेम है, दोनों ही सब कॉम्पैक्ट SUV में आते हैं, लेकिन ब्रेजा ना थोड़ा सा ऊपर निकल जाती है, इसी की वजह से जो ब्रेजा का प्राइस है ना वो थोड़ा ऊपर हो जाता है अपने सेगमेंट में, क्योंकि उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। तो चलो सबसे पहले फ्रंट लुक के बारे में बात करते हैं, तो सम्यक सर आपको कैसा लग रहा है अगर आप देखेंगे अभी के मुकाबले 2023 में सोनेट को। देखो मैंने तो गाड़ी खरीदी है, मेरे को तो लुक्स अच्छी लगती थी, बट ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताओ आप यार, मेरे को इसकी हेडलैम्प बहुत प्यारी लग रही है, ये आफ्टर मार्केट कुछ करा रखा है क्या आपने इसके अंदर। हेडलाइट एक्चुअली मैंने कस्टमाइज करा रखी है, अगर आप देखोगे इधर
तो इसमें बिल्कुल प्लेन रिफ्लेक्टर लाइट आती थी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और उसका थ्रो भी कुछ खास तो नहीं आपने था। क्या करा इसके अंदर? तो इसमें मैंने बेसिकली पहले जो हमारा पूरा रिफ्लेक्टर है उसको मैंने पियानो ब्लैक में पेंट कराया है, उसके बाद मैंने इसमें ये बाई एलईडी वाला प्रोजेक्टर डाला है, हेडलाइट वाला। प्रोजेक्टर भी नहीं आता था? प्रोजेक्टर नहीं आता था, सिर्फ प्लेन रिफ्लेक्टर लाइट। ये थोड़ा सा अजीब था। हाँ। तो ये हेडलाइट मॉडिफिकेशन में इसमें मत जाना कि यार ये आपको मिल जाएगा। है अगर फॉग लैंप, ये जो DRL आप देख रहे हो, हाँ, ये भी अलग से लगवाई गई है, इस मॉडल में नहीं आती। नहीं आती फॉग लैंप? आती थी फॉग लैंप गाड़ी में, आती है प्रोजेक्टर वाली आती है। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है इन्होंने, फॉग लैंप मिल रहा था लेकिन हैलोजन वाला मिल रहा था, लेकिन हैलोजन था। तो इसमें आप बस एक अपना LED का रिप्लेस करके, और फॉग लाइट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, फॉग लाइट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो ये है ब्रेजा का फ्रंट लुक भाई, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया कंपनी ने। बात करिए VXI मॉडल में कैसा हेडलैम्प सेटअप मिलता है आपको, तो इसमें मिलता है आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलती है जिसमें DRL की काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है। इससे पहले वाले मॉडल में DRL VXI में आ जाता था, जो इस बार स्किप कर दिया है। बात करिए इसके फ्रंट लुक की, ग्रिल्स की, तो यार इसमें कोई ज़्यादा कुछ ग्रिल वगैरह ऑप्शन तो मिलता नहीं है इसमें आपको, यहाँ क्रोम वर्क मिलता है और बीच में बड़ा सा सुजुकी का लोगो मिलता है। लेकिन हाँ, काफ़ी अच्छा लगता है, बोनट काफ़ी चौड़ा लगता है दूर से अगर देखेंगे। एक बार सोनेट की तरफ मैं आपको दिखा दूँ तो ये भी बहुत ज़्यादा शानदार कार है, बहुत सुंदर लगती है। आप दोनों कार दोनों को देख सकते हैं एक बार के, फ्रंट लुक आपको किसका अच्छा लग रहा है कमेंट में आप मुझे बता दीजिए। चलते हैं कैबिन के अंदर और देखते हैं कि कैबिन में क्या क्या मिलता है दोनों में। तो आ गए हैं हम ब्रेजा के कैबिन के अंदर। अगर आप देखेंगे दूर से कैबिन में तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील है जिसमें आपको माउंट कंट्रोल मिलते हैं, कॉल रिसीविंग, और यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिल जाते हैं। बात की जाए इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इस तरह से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको जिसमें आपको एनालॉग डिजिटल दोनों मिलता है। यहीं पर अगर आते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में, तो VXI मॉडल में आपको 7 इंच की स्क्रीन मिलती है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस नहीं होता है, वायर के साथ मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज है आज के टाइम पे यार। वायर वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए था, वायरलेस आना चाहिए था। ZXI प्लस में वायरलेस आता है। बात करी जाए इसके इंटीरियर लुक की, तो आपको देख सकते हैं डुअल टोन में मिलता है ब्लैक, और यहाँ पे सिल्वर एलिमेंट कंपनी ने लगा के दिया है। AC कंट्रोल की बात करी जाए तो ऑटोमेटिक AC कंट्रोल मिलता है यहाँ पे आपको, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और इस तरह का गेट है जो गेट बिल्कुल ही ब्लैक कर दिया कंपनी ने। अगर यहाँ पे थोड़ा सा सिल्वर एलिमेंट ऐड कर देते तो बहुत ही अच्छा लगता। अगर बात करी जाए इसके बोनट की, यहाँ पे तो यार साफ साफ दिख रहा है आपका बोनट, दूर से ही आपको दिख रहा है कि हाँ भाई एक SUV गाड़ी में आप बैठे हुए हो, दोनों एंड्स आपको दिखते हैं लेफ्ट और राइट। चलते हैं एक बार हम सोनेट के अंदर। तो सम्यक सर एक बार ये ले लीजिए, आपने पकड़ लीजिए सर और बताइए। तो सोनेट का आप इंटीरियर जैसे कि देख सकते हो, तो इंटीरियर भी एक वो पॉइंट था जहाँ मेरे को लगा कि यार गाड़ी बहुत ही शानदार बनाई है किया ने। आप खुद एक बार लुक चेक करो, कहीं से भी ये 9.5 लाख रुपए का इंटीरियर आपको नहीं लगेगा। फीचर्स की अगर बात करें तो पूरे आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स पे ये बटन्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम के, मोड के, और अपना गाने आगे पीछे करने हो, कॉल वगैरह के। और उससे बढ़िया चीज आप इसकी फिनिशिंग देखो एक बार, बटन की ज्यादा एक प्रीमियम फील मिल रहा है आपको यहाँ पे, ऐसा नहीं लग रहा कि अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ही प्रीमियम फील गाड़ी आपको दे रही है, इंटीरियर बहुत अच्छा है। और अगर इसमें बात करें क्रूज कंट्रोल की, क्रूज इस वाले वेरिएंट में नहीं आता है। अच्छा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 इंच की हमें टच स्क्रीन मिल जाती है इसमें, वायरलेस आपका कारप्ले जैसे कि आप देख सकते हो अभी चल भी रहा है। अरे ये कोई बहुत अच्छी बात है यार, देखो कोई वायर कनेक्ट नहीं है। हाँ। और एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलते हैं, ब्रेजा में मिसिंग है। ऑटोमेटिक हमें AC मिल जाता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और पूरा जो अगर आप इसके प्लास्टिक क्वालिटी एक बार आप देखोगे तो ब्रेजा से काफी अच्छी, काफी ऊपर निकल गए क्वालिटी में तो बहुत ज्यादा। इंटीरियर बहुत मुझे अच्छा। सीट कैसी लगती है आपको सोनेट की कम्फर्ट वाइज में? तो सीट अगर इस मॉडल में मैं बात करूं तो हमें फैब्रिक सीट्स ही मिलती हैं HT के प्लस मॉडल में, तो यहाँ पे लेदर सीट्स मैंने लगवाई हुई हैं अलग से। बट ओवरऑल कंफर्ट की बात करें तो ओके है, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। थाई सपोर्ट हमें अच्छा मिल जाता है इस सीट में। मेन जो इसमें कमी है वो है जो इसका लोअर बैक वाला एरिया है, इसमें थोड़ा सा और सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए था। बाकी जो ये साइड बोल्स्टर्स हैं ये भी अच्छे हैं, तो आप ज्यादा हिलोगे नहीं तो वो चीजें हैं। हेडरूम की बात करी जाए, हेडरूम की कमी लगती है? हेडरूम प्रॉपर है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, पूरी मिल जाती है, कोई कमी नहीं है, लेगरूम की भी कोई कमी नहीं है, लेगरूम भी आगे कोई कमी नहीं है। एक बार बैक सीट पे आ जाइए इसकी, बैक सीट और देखते हैं कैसा मिलता है बैक सीट पे। तो सम्यक सर के हिसाब से ड्राइविंग सीट एडजस्ट हो रखी थी, उसके हिसाब से देखते हैं कि इनको बैक सीट कैसे मिलता है, बैक स्पेस। तो मेरी हाइट अराउंड 5'10" के आसपास है, और थोड़ा सा मैं गाड़ी मतलब थोड़ा ज़्यादा पीछे करके चलाता हूँ, तो उस हिसाब से आप देखो तो अभी कट टू कट मेरे पैर आ रहे हैं इसमें,
थोड़ा सा अगर हम नॉर्मली जैसे एक इंसान चलाता है गाड़ी अगर वैसे करें तो एक इंच और हाँ, मैं थोड़ा ज्यादा कंफर्ट होके चला, मैं थोड़ा ज्यादा पीछे होके चलाता हूं, रिक्लाइनिंग को ज्यादा पीछे कर रखा है आपने, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो आप बहुत ज्यादा रिलैक्स बैठे हो। हाँ मैं रिलैक्स बैठा हूँ, बट मेरे से अब लंबी हाइट का कोई बैठेगा तो वहाँ दिक्कत होनी। हेडरूम बहुत अच्छा है गाड़ी के अंदर, हेडरूम बहुत अच्छा है, बट लेगरूम थोड़ी सी कमी है सोनेट में। तो अभी आपने देखा कि सोनेट में आपको कैसा कंफर्ट मिलता है अगर सेम ड्राइविंग सीट के हिसाब से अगर सीट को एडजस्ट करा जाए तो पीछे कितना स्पेस मिलता है। थोड़ा सा देखो स्पेस का इशू मुझे लगा, हाँ थोड़ा सा सम्यक सर रिक्लाइन एंगल ज़्यादा पीछे करके चलाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मैं कितना कंफर्टली बैठा हूँ, किस तरह से मेरे हाथ हैं, मैंने कोई सेट नहीं करी है सीट को कि मैंने ज़्यादा आगे पीछे कर रखी है। थाई सपोर्ट की बात करी जाए तो ये भी ठीक लगता है मुझे ड्राइविंग के हिसाब से, और काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है। एक बार बैक सीट पर चलते हैं और देखते हैं कि बैक सीट में आपको वही स्पेस मिलता है, मेरी 6 फुट से ज़्यादा की हाइट है। एक चीज़ मैं बोला जाऊँगा, ब्रेजा VXi में हाइट एडजस्टेबल का फीचर मिलता है जो कि सोनेट में भी मिलता है। तो चलते हैं बैक सीट पर, बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे वीडियो को, डायरेक्टली चलेंगे, आते हैं बैक सीट पे और देखते हैं कि स्पेस कैसा मिलता है बैक सीट के हिसाब से। तो अगर आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर बैठा हूँ, बहुत पैर मैंने आगे निकाल रखे हैं, लेकिन अभी भी मुझे इतना मतलब अच्छा खासा 3 से 4 इंच का लेग रूम मिलता है सोनेट में, जो मुझे कमी लगी इस चीज़ की। अगर मैं बहुत ज़्यादा भी रिलैक्स करूँगा, देखो बहुत ज़्यादा पैर आए मैंने आगे कर लिए, तो मुझे फिर भी देखो मेरे पैर बिल्कुल भी टच नहीं हो रहे सीट के अंदर। तो चलो बात करते हैं टायर साइज़ के ऊपर। ब्रेजा VXi और सोनेट HTK+ वाले वेरियंट की, दोनों ही वेरियंट में आपको सेम टायर साइज़ मिलता है, R16 215mm की थिकनेस के साथ। अच्छा बात करी जाए इसमें कि यार ये वाला टायर इतना चौड़ा लग रहा है लेकिन ये वाला टायर इतना चौड़ा नहीं लग रहा है, इसका एक रीज़न है कि इसके अंदर आफ्टर मार्केट अलॉय लगे हुए हैं, जिसका थोड़ा सा डायमीटर, थोड़ा सा जो डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया है कि वो थोड़ा चौड़ा लगेगा, लेकिन टायर साइज सेम है, R16 215mm। तो अगर बात करें ग्राउंड क्लीयरेंस की ब्रेजा और सोनेट की, तो सबसे पहले मैं ब्रेजा के बारे में बात करता हूँ। ब्रेजा में आपको 200mm का अच्छा खासा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियों को ये बीट कर देती है। स्कॉर्पियो एन का ग्राउंड क्लीयरेंस इतना नहीं मिलता जो ब्रेजा में आपको मिलता है, लेकिन यहीं पर अगर बात करी जाए सोनेट की तो ये भाई ब्रेजा को भी पीछे छोड़ देती है, 205mm का बहुत बड़ा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है। तो यहीं पर बात करते हैं ड्राइविंग गेट के कंट्रोल्स में, जो ड्राइवर गेट मिलता है आपको उसमें क्या क्या कंट्रोल्स मिलते हैं। सारी ही पावर विंडो मिलती हैं ब्रेजा हो या सोनेट। हाँ ब्रेजा में एक चीज मिसिंग है कि आप चाबी से अपने ORVM को फोल्ड नहीं कर सकते हो, अंदर बैठ के इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिलता है। यहीं पे सोनेट बहुत आगे निकल जाती है जिसमें आप की से ही उसके ORVM को फोल्ड कर सकते हो। आप देख सकते हैं ये अभी हमने बाहर शुभम सर खड़े हैं जिन्होंने इसको फोल्ड और अनफोल्ड किया है। सोनेट के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन नहीं मिलती, पे ब्रेजा में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है और साथ ही साथ आपको हिल होल असिस्ट भी मिल जाता है। तो टेल लैंप के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सोनेट के टेल लैंप में। अगर डिजाइन वाइज बात करी जाए तो देखने में तो बहुत ही शानदार लगती है, अगर देखने से कोई पहली बार देखेगा तो लगेगा कनेक्टिंग टेल लैंप है ये, लेकिन ये कनेक्टिंग नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके अंदर रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ये यहाँ पे किसी भी तरह की लाइट आपको नहीं मिलती HTK+ वाले वेरिएंट में। नहीं, ये वाली जो बीच की लाइट है ये हमें किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलेगी, ये रिफ्लेक्टर का ही काम करेगी। अपग्रेड है, आफ्टर मार्केट हम करवा सकते हैं, तो वो पूरी कनेक्टिंग। क्या इसकी टेल लैंप में LED मिलता है? टेल लाइट इसकी LED नहीं है, इसके ऊपर से जो मॉडल स्टार्ट होता है उसमें हमारी LED टेल लैंप्स स्टार्ट होती हैं, बट डिज़ाइन ऑलमोस्ट यही रहता है, जो अंदर के एलिमेंट्स होते हैं वो ऑब्वियसली नहीं। देखने में तो बहुत ही शानदार लग रही है गाड़ी, पीछे से बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव लुक देती है। हाई माउंट इसकी लैंप वो भी ऊपर की तरफ है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि स्टॉप लैंप हमेशा ऊपर ही होना चाहिए, क्रेटा में यहाँ पे आती है वो मुझे नहीं अच्छी लगती। तो यार ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे कि यार गाड़ी का लुक बहुत प्यारा है। बूट स्पेस की बात करी जाए तो बूट हम चेक कराते हैं, बूट इसमें हमें मिलता है 391 लीटर्स का, तो बहुत ही मैसिव बूट हम, तभी आप देख सकते हैं मैसिव सी बेस ट्यूब हमने लगा रखी है इसके अंदर, बहुत बड़ी है ये, तो वीडियो में पता नहीं कितना पता लग रहा होगा बट काफी बड़ी है ये साइज। बूट लैंप मिलता है इसके अंदर? बूट लैंप इसके बूट लैंप शायद इसके अंदर नहीं है, इस वाले मॉडल में नहीं आता होगा, अपर मॉडल में आता होगा बूट लैंप की जगह यहाँ पे दे। हाँ, लेकिन इसी वजह से जो इसका क्या कहते हैं पीछे वाली सीट पे थोड़ा सा लेग रूम कम था, क्योंकि यार इन्होंने बूट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया 390 लीटर का। अगर बात कर यहाँ पे ब्रेजा की, तो ब्रेजा का लुक सच में बहुत प्यारा लगता है, और कंपनी ने एक चीज बहुत ही अच्छी करके दी है, चाहे आपका बेस मॉडल हो चाहे आपका टॉप मॉडल हो, लाइट में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। सबसे बढ़िया काम कर ये है, सबसे बढ़िया काम कर रहा है यार, बेस वालों के साथ क्यों ना इंसाफी करनी भाई। टेल लैंप का डिजाइन सबका सेम है, और टेल लैंप का डिजाइन सच में बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा है। नाम मैं लूंगा नहीं गाड़ी का, बहुत लोग इसको जानते हैं किस नाम से, रोड पे बहुत ज्यादा शानदार लगती है। अगर बात कर जाए इसके बूट स्पेस की, तो 328 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो सोनेट काफी कम रह जाता है।
अगर मैं खोल के दिखाऊं आपको तो काफ़ी कम रह जाता है सोनेट से, लेकिन देखने में आपको बूट स्पेस कम नहीं लगेगा, अच्छे खासे बड़े बड़े आप अगर पार्सल ट्रे को हटा देंगे तो चार बड़े बैग आ जाएंगे। हाँ, जो सोनेट में मुझे थोड़ी सी कमी लगी कि भाई सोनेट के बूट में ना आपको थोड़ा सा डाउन मिलता है, बॉटम फ्लैट नहीं मिलता, जो ब्रेजा में काफ़ी अच्छा मिलता है। काफ़ी सारी गाड़ियों में जो बूट होता है ना काफ़ी डाउन मिलता है, लेकिन भाई ब्रेजा में एकदम बॉटम फ्लैट मिलता है, सीधे रखो कोई भी इशू नहीं आता है। तो ये जल्दी जल्दी में हमने आपके लिए कंपैरिजन बनाया था ब्रेजा वर्सेस सोनेट। अगर दोनों की बात करी जाए एक्स शोरूम की, ब्रेजा VXI और सोनेट STK प्लस, हम टुडे की बात करेंगे आज के हिसाब से क्या रेट है, तो वो दोनों का ही एक्स शोरूम कितना मिलता है, 9.6 के अराउंड एक्स शोरूम दोनों गाड़ियों का, 9.64 9.6, मतलब 9,60,000 एक अप्रॉक्सीमेटली प्राइस है। दोनों गाड़ियाँ प्राइस में बिल्कुल सेम है एक्स शोरूम पे, ऑन रोड थोड़ा डिफरेंस हो जाता है क्योंकि भाई ब्रेजा का टैक्स ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें 1.5 लीटर इंजन लगा हुआ है। हाँ, तो आपको अगर बोला जाए कि यार टुडे के हिसाब से कि भाई मैं सोनेट लूँ ब्रेजा लूँ, बट इनमें अगर देखा जाए तो काफ़ी टफ चॉइस बन जाती है क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे को सोनेट की बहुत ज़्यादा, इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का यूज़ करा गया है, ब्रेजा बहुत पीछे है उससे। ब्रेजा में मेरे को अच्छी बात सिर्फ ये लगती है कि ब्रेजा का इंजन बहुत बेटर है इसके इंजन से, एवरेज भी अच्छी देता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी देता है और स्पेस में भी गाड़ी ब्रेजा सोनेट से आगे निकल जाती है। एवरेज की अगर माइलेज की बात करी जाए तो कंपनी इसका माइलेज क्लेम करती है 21 प्लस का। अब इसके क्लेम का तो मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट 20 है मेरे हिसाब से। बट अगर हम जो रियल लाइफ की बात करें जिससे लोगों को मतलब होगा एक्चुअली, तो सिटी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 11 से 12 का एवरेज और हाईवे पे आप 14-15 ही निकाल पाओगे, उससे ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि एक तो इसमें 5-speed ट्रांसमिशन आता है ओके, और दूसरा जब ये गाड़ी 100 के आसपास चलती है स्पीड पे तो ये 3000 RPM पे रहती है गाड़ी, वहीं ब्रेजा शायद थोड़ा सा कम रहती है। अब यही फ़ायदा होता है 1.5 लीटर इंजन लेने का, मतलब यार ब्रेजा 100 पे चलने के बाद भी ऐसा आपको नहीं फील होगा कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। बात करी जाए इसकी माइलेज की, अगर सिटी की बात करी जाए जो इस टाइम मिल रही है तो 12 से 14 के बीच में आपको सिटी में मिल जाता है, और हाईवे में इजीली आप इसको अगर आप अच्छा रन करते हैं 50-60 किलोमीटर या 80 किलोमीटर अगर आप एक स्ट्रेट चलाते हैं तो ईजिली 18-19 का ही दे देती है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने निकाल के दिखा रखी है, वीडियो आपके पास है कि माइलेज वाली, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारी तरफ से डिटेल कंपैरिजन ब्रेजा वर्सेस सोनेट। आप मुझे बताइए कमेंट में कि अगर आपको कार लेनी होगी तो ब्रेजा या सोनेट में कौन सी लेंगे। मेरे को सोनेट का इंटीरियर सच में बहुत पसंद आया, लेकिन यार इंजन के आगे मैं शायद ही किसी चीज़ को देखता हूँ। हाँ, सम्यक सर की बात बिल्कुल सही है कि यार अगर मेरे को ऑप्शन मिले तो XUV300 का इंजन सबसे तगड़ा है, सबसे बेस्ट है, लेकिन वही उसमें भी बहुत सारे कैच आ जाते हैं कि यार वो भी गाड़ी जो लुक्स में आती है उसका बैक लुक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। दोनों गाड़ियां बैक लुक में तो बहुत आगे निकल जाती हैं XUV300 से, बिल्कुल, और XUV300 का प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये थी हमारी तरफ से एक वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मैं आपके हर कमेंट पर रिप्लाई करता हूँ। एक चीज़ फिर से बोलूँगा, वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक एक सब्सक्राइब करके जाइए, और सर का भी चैनल है इट्स अबाउट मशीन, उसको भी आके सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए।